गुड मर्निङ सबै सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ र आजको नयाँ भिडियोमा नयाँ व्यञ्जन के पकाउने चाहिँ सस्पेन्स नै हुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ। मेरा आज का करी है फिश हेड। आपके तप रहे, अभी गर्म होने के बाद तेल डालेंगे। मेरा तेल भी गर्म हो चुका है और मेरा मसाला सिर्फ प्याज और चिल्ली ग्राइंड करके रखा हूँ, नीम पत्ता और ये टोमेटो। मसाला को धीमी आग में भुनेंगे थोड़ी देर। ऑनियन और जिंजर और चिल्ली थोड़ा पकने के बाद डालेंगे टोमेटो को भी फ्राई करेंगे थोड़ी देर तक। इसमें डाल दिया पाउडर मिर्च, हल्दी और नून। थोड़ा जल देके पकने देंगे। दोस्तों इन द मेन टाइम मैं अपने बर्तन साफ करूंगा। देखिए दोस्तों कितना झाग दे रहा है। देखिए ग्रेवी भी बन रहा है। अभी उसके ऊपर टमाटर चेक करेंगे। टमाटर भी पक चुका है। अब इसके ऊपर मछली डाल देंगे। मछली डाल के थोड़े देर तक इसको ढक के रख देंगे ऐसे ही। बिटवीन द समाई, आप समाई कह सकते हैं, आप करीबी बना लो, थोड़ा काम कर लेंगे। ये मैंने न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ पहले, ये पुराना न्यूज़पेपर, और मुझे थोड़ा कुछ काम करने के लिए बर्तन वर्तन चमकाने के लिए थोड़ा पीसेस करके रखा हूँ मैं, तो इसे वही करने जा रहा हूँ, पीसेस कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत आते हैं, टेलीग्राफ भी आता है, स्टेटमेंट आता है, बांग्ला न्यूज़पेपर कर रहा हूँ। फिश हेड का क्या स्टेटस है? तो मोटा मोटी ये इसको भी स्टीम लग चुका है, इसका मतलब ये पक चुका है। अब इसको क्या करेंगे, इसको फिर अपसाइड डाउन करके थोड़ा इसके ऊपर ग्रेवी डाल देंगे। इसे करने से इसके फिश हेड के अंदर अंदर भी ग्रेवी पहुंच जाएगा। डाल देंगे थोड़ा सूप अपने हिसाब के, मुझे कितना सूप चाहिए, मुझे 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम 4 चाहिए मुझे, तो मैंने सूप डाल दिया है। इसके बाद इसको चलाएंगे नहीं, क्योंकि चलाने से ये सब फट जाए। याद रहे आग धीमी होना चाहिए। चलो अब खाने समय। साथी भाइहरू मेरा खाना रेडी भयो, अब खाँदै खानु गइरहेछु। यस भिडियोलाई राम्रो लागे लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस्। तर आप लोगोको यो भिडियो अच्छा लाग्यो त प्लिज लाइक गरिदिए, कमेन्ट गरिदिए और सेयर भी गरिदिए।